Hello students, welcome to class 12. Let's start with the first chapter of accountancy, accounting for partnership firm fundamentals. Before explaining the practical aspect of the chapter, first of all I will explain you the theoretical part of the chapter. First of all, we will know about the meaning of partnership. Partnership is the agreement between two or more persons who have agreed to share the profits of a business. पार्टनरशिप एक तरह का एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हुए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में गिवन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक तरह का रिलेशन होता है बिटवीन द पर्संस लोगों के बीच में व्यक्तियों के बीच में हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स जो किसी बिजनेस के किसी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हुए हैं कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। और वो बिजनेस या तो वो मिलकर सभी मिलकर ऑपरेट करने वाले हैं या उसमें से कोई एक पार्टनर सभी के बिहाफ पर उस बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप की फीचर्स की। फर्स्ट फीचर इज टू और मोर पर्सन्स। एक पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए एटलीस्ट टू पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं। एटलीस्ट टू पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ए पार्टनरशिप फर्म। नॉट ए सिंगल पर्सन कैन एस्टेब्लिश द पार्टनरशिप फर्म। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के रिगार्डिंग कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसके रिगार्डिंग कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम जो है 100 नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। नाउ द सेकंड फीचर इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मींस पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। मींस पार्टनर्स जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है। यानी कि एग्रीमेंट मींस द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर प्री डिसाइडेड अमंग द पार्टनर्स व्हाइल एस्टेब्लिशिंग ए पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश करते हैं तो उनके बीच में जो भी टर्म एंड कंडीशन प्री डिसाइडेड होती हैं उन्हें एक रिटर्न फॉर्म में लिख लिया जाता है जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। नाउ द थर्ड फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका मेन पर्पज प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए और बिजनेस एग्जिस्टेंस मींस बिजनेस का होना जरूरी है। बिजनेस एग्जिस्टेंस मींस कि अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी इलीगल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं दैट इज नॉट कॉल्ड ए पार्टनरशिप। उसको आप पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। नेक्स्ट फीचर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट्स होता है जो भी वो फर्म से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करके जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो एक प्री डिसाइडेड रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो डिपेंड करता है उनके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पे। जो पार्टनर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसको प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर मिलता है। जो कम इन्वेस्टमेंट करता है उसको प्रॉफिट में कम शेयर मिलता है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मीन्स कि जो उनकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो क्या होगी ये भी पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो पहले से प्री डिसाइड कर लेती है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म में उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। मीन्स कोई भी पार्टनर अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो वो दूसरे पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है और रिमेनिंग पार्टनर्स भी जो डिसीजन लेते हैं वो उसके लिए आंसरेबल होते हैं। अगर मान लीजिए कोई डिसीजन लिया और उसका कोई भी फेवरेबल या अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है पार्टनरशिप फर्म पे तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है और रिमेनिंग पार्टनर उसके उस डिसीजन के लिए उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि वो बिजनेस जो है सभी पार्टनर मिलकर आपस में मिलकर भी ऑपरेट कर सकते हैं या उनके बिहाफ पर कोई एक सिंगल पार्टनर भी उस बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है।